नमस्कार दोस्तों, आज जन्म कुंडली के सातवें भाव पर चर्चा करेंगे कि सातवां भाव जन्म कुंडली में क्या क्या होता है। तो सातवां भाव जैसा आप जानते हैं केंद्र भी मानते हैं उसको, तो साथ में विष्णु स्थान भी मानते हैं, और 1, 4, 7, 10 इन केंद्र में से यह तीसरा केंद्र है। और इससे जो जो चीजें देखी जाती है, जिस चीजों को बताता है, वो है विवाह, विवाह के साथ साथ व्यापार और पार्टनर, शरीर के अंगों की बात करें तो एक तो किडनी है, औरत के शरीर में या लड़की के शरीर में ये यूट्रस है, और ये प्रजनन अंग भी है। इसके साथ साथ ये ओपन एनिमी का है, शत्रु का भी है। तो शत्रु के तीन घर हैं ज्योतिष में, छठा घर जो शत्रु आप जिसको जानते हैं, बारहवां जो शत्रु गुप्त है, सातवां जब झगड़ा शुरू हो गया तो ये जो शत्रु हो गया ये सातवें भाव से देखा जाता है। तो सातवें भाव से मेन यही चीजें हैं। साथ में इसके एक और है चेंज ऑफ कोर्स ऑफ जर्नी, मतलब यात्रा का भी है। तो यात्रा का जो रास्ता बदल जाना, जैसे आप दिल्ली से मुंबई गए और आपका शेड्यूल यही है कि दिल्ली से मुंबई, मुंबई से आप दिल्ली आ जाएंगे, लेकिन साथ में आपको काम आ गया कि बेंगलोर से भी काम करते जाएं, तो ये सातवें भाव अगर उस समय पे दशाओं में है तो ये सातवें भाव का कार्यशैली है, ये सातवें भाव ये बताया जाता है। अब इसके साथ साथ जो सातवां भाव है इसको अब हमें देखना है कि ये रिजल्ट कैसे देगा, कि विवाह का रिजल्ट कैसे देगा, व्यापार का, पार्टनर का, या किडनी में कोई प्रॉब्लम है इत्यादि। अब सातवें भाव का स्वामी जैसा माना जाता है, या सातवें भाव के अंदर जो ग्रह बैठा है वो सातवें भाव का फल देगा जब वो अपने दशा में अंतर में प्रत्यंतर में आएगा, लेकिन वो विवाह देगा, व्यापार देगा, पार्टनर देगा, या एनिमी झगड़ा होगा, क्या होगा ये कैसे पता करेंगे, अब मैं ये आपको समझाता हूँ। बड़ा सिंपल है, सीधा सीधा कि समझ लें, मेष लगन ले लेते हैं। तो मेष लगन में सातवें भाव का स्वामी कौन हो गया, वो शुक्र हो गए। अब शुक्र की दशा चली तो क्या शुक्र विवाह दिला सकता है, ठीक है। तो पहले हमें देखना पड़ेगा विवाह की क्या परिभाषा है। तो विवाह की परिभाषा बड़ी सीधी है कि दो व्यक्ति जो है जो ऑपोजिट सेक्स के, ऑपोजिट जेंडर के, लड़का और लड़की, वो इकट्ठा एक व्यापार, एक परिवार बनाए और उस परिवार को समाज और स्वीकृति दे, स्वीकृति नहीं देगा परिवार तो फिर उसको हम विवाह नहीं मान सकते। विवाह वाले दिन जो समाज जो है पूरा स्वीकृति देने के लिए आता है, जैसे लड़का है वो मल्होत्रा है, लड़की खन्ना है, तो दोनों की शादी हुई तो वो मिस्टर मिसेज मल्होत्रा हो गए। अब वो दोनों एक यूनिट है, वो इकट्ठे जब नहीं जाएंगे, कहीं अकेले जाते हैं तो फिर वो उनको ये बात सुननी पड़ेगी कि लड़के से पूछेंगे भी तू बीवी के साथ क्यों नहीं है, बीवी अगर अकेली है तो हस्बैंड के साथ क्यों नहीं है, तो दोनों यूनिट है तो अब दोनों को इकट्ठा देखना चाहते हैं। लड़का अपनी बहन के घर गया तो बहन बोलेगी कि भी वाइफ के साथ आओ, नहीं तो सास पूछती है अभी आपस में झगड़ा हो गया ऐसा। तो दोनों को जो है वो दो यूनिट है, फैमिली, दोनों ने एक परिवार बनाया है, तो इसलिए विवाह का जो कॉम्बिनेशन है वो सिर्फ सातवें भाव से नहीं देखा जाएगा, जब दूसरा भाव फैमिली, सातवां समाज की स्वीकृति, 11 इच्छा पूर्ति, जब ये तीनों आ जाए। अब जैसे इस जन्म पत्री में मेष की बना ले तो सातवें भाव का स्वामी शुक्र हो गया, तो दूसरे का भी शुक्र होगा। अब शुक्र समझ लें 11वें भाव में बैठ गए, तो शुक्र जो है इसका मतलब 2 साल 11 पूरे भाव बता रहा है विवाह। और कौन कौन सा ग्रह बता सकता है, तो क्या सिर्फ शुक्र ही कराएगा, ऐसा नहीं है। जैसे कोई ग्रह जो है वो शुक्र के नक्षत्र में बैठा है, जैसे समझते सूर्य भरनी में बैठा है, तो सूर्य अपने फल तो नहीं देगा, पहले और पांचवें के पांचवी राशि उसकी है, और साथ में वो शुक्र के नक्षत्र में वो शुक्र के फल भी देगा। इसका मतलब ये हो गया सूर्य जो है विवाह करा सकता है,
तो जो जो ग्रह सूर्य के नक्षत्रों में आ जाएंगे, जो जो ग्रह शुक्र के माफी चाहते हैं शुक्र के नक्षत्रों में आ जाएंगे वो जो है विवाह बताएंगे। इसी प्रकार से कोई ग्रह जो है सातवें भाव में शनि, शनि क्या भाव के फल देगा, सातवें बैठक दसवें ग्यारहवें का वो स्वामी है। तो शनि भी जो है विवाह के फल दे रहा, दूसरा भाव नहीं बता रहा, परंतु 66% तो बताएगा, तीन भी भाव बता रहा, तो ये भी पॉजिटिव हो गया। तो शनि भी रिजल्ट देगा और साथ में जो जो ग्रह शनि के नक्षत्रों में चले जाएंगे वो भी फल देंगे, वो भी फल विवाह का दे सकते हैं जब वो अपने दशांतर में देते हैं। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि सातवें भाव का विवाह का फल कब आएगा, इस तरह से देखते हैं कि व्यापार का फल कब आएगा, व्यापार का क्या भाव है, दूसरा दसवें, ज्यादा लेकिन शादी कब होती है लड़के की, जब वो अपने काम धंधे में सेटल कर, तो तब उसका 2-11 चल रहा होता है, तो इसका मतलब उसकी नौकरी भी अच्छी, ज्यादातर देखिएगा आप कभी भी कि उसकी नौकरी भी अच्छी चल रही होती है। अगर बिजनेस में है तो उस समय उसका बिजनेस भी तरक्की कर रहा होता है, वो बिजनेस में सेटल होता है। 2-10-11 बिजनेस के जो है दूसरा जो भाव है वो संचित धन है, सातवां बिजनेस का व्यवहार का है ही, दसवां आप जानते हैं स्टेटस नेम एंड पोजीशन, 11वां लाभ। तो इस तरीके से जैसे शनि है इसमें जन्म कुंडली में शनि 7वें 10वें और 11वें का फल देगा, तो शनि विवाह के लिए अच्छा है, तो ये बिजनेस के लिए अच्छा। अब ये शुक्र है 2-7-11 ये भी बिजनेस के लिए अच्छा। अब मान लें कि सूर्य अगर 11वें भाव में तो सूर्य भी अच्छा है। तो इस तरह से जो जो ग्रह है सूर्य के शुक्र के शनि के नक्षत्रों में आ जाएंगे वो भी अच्छा ही व्यापार होना बताएंगे। अब आ जाते हैं जो हमने बात की थी कि ओपन एनिमी की, झगड़े, झगड़ा कैसे हो, ठीक। अब जैसे मान समझ लेते हैं कि डकैती, डकैती अगर होगी तो क्या कि जो डकैत है वो तो पहले तो रेडी की होगी, कब डकैती करते हैं, कब सबसे आसान समय है, कौन से ऐसे समय में हम जाएं जिस समय पे हमारे ऊपर समस्या ना आए, हम ना पकड़े जाए, और किसके घर डकैती करनी है, जिसके घर में पैसा है, वो जिस समय पैसा जैसे शादी हो रही है तब कर। पुरानी फिल्मों में होता था कि सेठ के घर जो है डाकू आ जाते थे जब लड़की की शादी हो रही थी, तो उनको पता होगा कि पैसा कब होगा जब घर के मर्द घर में नहीं होंगे, ऐसा कुछ। तो एक तो रेकी करी होगी उन्होंने, तो वो आपके हिडन एनिमी गुप्त शत्रु, अब जब आएंगे तो जाहिर बात है वो बंदूकों से लैस होंगे, डराएंगे धमकाएंगे, डराएंगे धमकाएंगे गालियां देंगे, तो इंसल्ट करेंगे आपको, बेइज्जती करेंगे, बेइज्जती का घर कौन सा, आठवां इंसल्ट, गुप्त शत्रु का और नुकसान देंगे, लॉस और ओपन एनिमी सातवां भाव। तो जब सातवां भाव आठवां के साथ जुड़े हैं तो इसका मतलब डकैती होगी, और ये बता के तो आएंगे अचानक है, तो फिर इसमें दशाएं जो है वो राहु और केतु, इस तरह से एक और कॉम्बिनेशन है वो है रेप का, डकैती जो है वो पैसे की नहीं होगी शरीर पे होगी, तो इसमें फिर साथ में शुक्र भी हो जाएगा, दशाओं के अंदर में दशा दशाओं के अंदर राहु केतु में से एक और शुक्र होगा, तो इसमें जो है वो बलात्कार भी हो सकता, तो ये इस तरह से साधन हुआ। तो इस तरीके से हमें देखना है कि जो एक भाव है जिसमें इतनी सारी जो चीज़ें होती हैं, लेकिन ये अलग अलग फल कैसे देते हैं, ये इस तरीके से देते हैं। आशा है ये आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपकी जानकारी जरूर बढ़ी होगी। ऐसी वीडियो देखने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।